इनविटेशन करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो जिसकी जैसी औकात आपकी इनविटेशन में फोर्स और पावर वैसी होनी चाहिए। ये कब पता चलेगा? जब आप सेकेंड स्टेप को फॉलो करेंगे। इनविटेशन ना हमारे बिजनेस का जान है। पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारे जो फ्रेशर लोग हैं ना, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, ये सब इनविटेशन करने में झिझकते हैं। समझ में आ रहा है? इनको इनविटेशन करना नहीं आता है। अब हम लोग थ्योरिटिकल नॉलेज तो दे देते हैं 10 कदम ट्रेनिंग में, 8 स्टेप ट्रेनिंग में, लेकिन प्रैक्टिकली उनको ग्राउंड में कौन सिखाएगा? ये काम आप लोगों का है। ये आदत बनाइए। हमें याद है कि जब हम लोग बिजनेस किया करते थे तो हम लोग प्लान वगैरह में टाइम देखते थे, एक शेड्यूल अपना रखते थे कि जब अपने पास प्लान नहीं होता था तो हम अपने टीम में कुछ लीडरों को टारगेट किया करते थे और जब हम खाली हुआ करते थे उनको बुला लेते थे अपने बाइक पे और कहीं गए चाय समोसा खाने के ही बहाने, कहीं रुके और 4-5-6 इनविटेशन करके दिखा देते थे। तो उससे बेवकूफ से बेवकूफ लीडर भी होगा ना, जब आप उसकी आंखों के सामने नए 5-10 लोगों को इनवाइट करोगे, उसकी जो झिझक होती है वो खत्म हो जाती है और वो इनविटेशन करना सीख जाता है। शेर का बच्चा पैदा लेते शिकार करना नहीं जानता साहब, उसकी माँ या उसका बाप 4 बार 5 बार 6 बार साथ में शिकार करते हुए दिखाता है, वो देखता है, फिर छोटे छोटे प्रयास करता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते शेर का बच्चा भी शेर हो जाता है और अच्छा शिकारी बन जाता है। हाँ या ना? हमारी टीमें भी जस्ट वैसी होती है। हमारी टीम जब फ्रेशर होती है या सिल्वर गोल्ड होती है, नए लोगों से बात करने में टीम झिझक रही है। और ये मैं पक्का बोल रहा हूं, आप अपने अपने नेटवर्क में जाके चेक करो, पक्का आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पोटेंशियल निकाल सकते थे लेकिन इनविटेशन करने की जो झिझक है ना, वो कोई उनका निकाल नहीं रहा है, इसलिए वो फेल हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? हमारी टीम में इनविटेशन करने से सबसे ज्यादा अगर किसी को झिझक आती थी तो वो था आदित्य सर। और ये ऐसा बेवकूफ किसी को बताता भी नहीं था क्योंकि अपलाइन हम ही थे। मेरे से बोलता तो मैं डांट देता था कि चुपचाप काम कर, तुमको कैसे शर्म आती है। तो मैं एक बार आदित्य सर के रूम में गया हुआ था, इनकी एक डायरी पड़ी हुई थी, मैंने वो डायरी निकाला तो एक, अब इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी, ये डायरी में ना अपने सुख दुख लिख दिया करते थे। मैं दोस्त भी था और अपलाइन भी था, तो ना मेरे से बोल सकता था और ना छुपा सकता था, दोनों बातें थी। ये डायरी में लिखे हुए थे कि मुझे इनविटेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ लिखा था इन्होंने। ऐसा ही है ना आदित्य सर? वो डायरी मेरे हाथ पड़ गया गलती से, मैंने देखा। अब वहां मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन तो ये था कि मैं इसको झाड़ू, कि अगर नहीं इन्विटेशन आता तो मुझे बताया क्यों नहीं। दूसरा ऑप्शन था कि मैं चुपके से सिखा दूं। मैंने बोला यार आज घूमने चलते हैं। बोला बिजनेस आज नहीं करना? मैं बोला नहीं आज बिजनेस नहीं करना, आज हम लोग घूमने चलेंगे। और BHU से ब्रोचा हॉस्टल से निकल के लंका तक हम लोग जा रहे थे, तो हमने बोला आज उल्टा साइड चलेंगे। बोला पागल हो गया, आज उल्टा साइड क्यों चलेगा? बोला चल ना, कुछ लोग आएंगे मस्ती करेंगे। मैं उल्टा साइड गया, जैसे पहला इंसान मुझे मिला मैंने बोला देखो इनविटेशन करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मुझे पता है तुम्हें इनविटेशन में प्रॉब्लम होती है। बोला हाँ तुझे कैसे पता? मैं बोला अपलाइन हूँ, सब पता है। इनविटेशन करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, केवल अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ जब लोगों से जाके हाथ मिलाओगे और बात करोगे, लोग अपने आप जवाब देंगे, कोई मारने वाला नहीं है, तू डरता क्यों है चल। जैसे एक पहला बंदा आया, ये कुछ बोलता उससे पहले मैं जाके उसका हाथ पकड़ता हूँ, हेलो सर नमस्कार, माई सेल्फ अमित दुबे और मैं यही BHU में पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग काम करते हैं, क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? बोला क्या अपॉर्चुनिटी है? बोला यार जबरदस्त ऑप्शन है, आप टाइम निकालो बताएंगे, और इस बात की गारंटी है अगर आप समझोगे तो आपकी लाइफ में बदलाव हो सकता है, क्या जानना चाहोगे? सामने वाले ने बोला चल हट। अब मैं इसके तरफ देखूं फिर आगे देखूं, भाई पहला एक्सपीरियंस गड़बड़ हो गया ना, है या ना? लेकिन अपलाइन होता तो हम नर्वस भी होते, डाउनलाइन था मैं और जोश में। मैं बोला यार क्या फर्क हुआ, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, साले का किस्मत खराब था इसलिए नहीं सुना, चल आगे बढ़ते। आगे गया, दूसरे बंदे से भी मैंने फिर वैसे किया, हेलो सर नमस्कार, माई सेल्फ अमित दुबे और मैं यही BHU ब्रोचा हॉस्टल से हूं।
पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ काम करते हैं, जहां पे अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझेंगे, तो आपके लाइफ में भी कुछ बदलाव हो सकता है। क्या आप जानना चाहते हो? बोला क्या है? हेल्थ से रिलेटेड काम है, बहुत अच्छा मौका है। हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ काम करते हैं और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे लोगों की सेवा के साथ साथ एक अच्छा करियर का भी ऑप्शन है, जिसको आप चाहे तो पार्ट टाइम फुल टाइम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड? सामने होने वाले ने बोला यस। नंबर दे दीजिए, जब टाइम होगा हम मिलेंगे। अगले बार फिर आगे बढ़ा, नंबर लिया, बोला नंबर नोट कर। अगले बार फिर बढ़ा, मैंने सेम डायलॉग मारा, हेलो सर नमस्कार, माई सेल्फ अमित दुबे, मैं यही BHU ब्रोचा हॉस्टल से हूं, इस डिपार्टमेंट से। हमारे पास एक गजब की अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप पढ़ाई करते हुए अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यहाँ पे लोगों की सेवा के साथ साथ एक करियर की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आर यू इंटरेस्टेड? सामने वाला बोला यस। तो सर इनको अपना नंबर दो, ये आपको जानकारी देंगे। समझ में आ रहा है? थर्ड पर्सन के पास गया, बोला हेलो सर नमस्कार, बोला सर ये आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। अब आदित्य सर कभी मेरे तरफ देखे, कभी उसके तरफ। मैं बोला बोल, बोलो सर, कुछ हेल्थ का कुछ आप बता रहे थे ना, बताओ सर को। अब इसको जो टूटा फूटा आता था बोल दिया, और जैसे बोला, बोला यार ये तो बड़ा आसान है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, बात बन गई। अगले गया, मैं बोला सर एक मिनट, अगली बार मुझे एक मिनट भी बोलने की जरूरत नहीं, मेरे से आगे खुद बढ़ के बोला हेलो सर नमस्कार, माई सेल्फ आदित्य सिंह। ये एक्चुअल मैंने प्रैक्टिकली किया है। कौन करके दिखाएगा टीम को? आप लोग। हम क्या है ना, खाली प्लान ज्वाइनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी टीम को प्रैक्टिकल नॉलेज स्वीकार करना सिखा ही नहीं रहे हैं हम। समझ में आ रहा है? इसीलिए टीम की जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो डाउन जा रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि इनविटेशन करना और इनविटेशन करने सिखाना, ये हमारा काम है। जब तक आप लोग अपनी टीम को नहीं खोलोगे, पता है नीचे वाले बेचारे दबे रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सुपर बेशरम होते हैं, जो मतलब ज्वाइन होते धड़ाधड़ धड़ाधड़, क्योंकि इसमें ना क्या, दिमाग जो नहीं लगाता वो तो निकाल जाएगा, जो दिमाग लगाता है उसके दिमाग में आ जाती है, भाई ना बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो एक अच्छा सा डेमो इनविटेशन बना लीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में जाइए, झिझकिए मत। आप ट्रेन से सफर करते हैं, अगर आपकी टीम है तो 4-5 इनविटेशन तो इसलिए करो ताकि आपकी टीम सीखे। रोड से गुजर रहे हैं, कोई मिलता है तो इनविटेशन इसलिए करो ताकि आपकी टीम सीखे, अगर आपके पास लिस्ट है तब भी। ये बेसिक काम है जो आज के डेट में लोग नहीं कर रहे हैं और टीम को दोष देते हैं कि सर मिलवा नहीं रहे हो लोगों से। टीम के पास लिस्ट ही नहीं है, और लिस्ट बनता कैसे है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इनविटेशन करने से बनता है। अपनी डायरी में एक लिस्ट आपकी ये भी होनी चाहिए कि इस पूरे सप्ताह में मैंने कितने लोगों को इनवाइट करना सिखाया, मैंने कितने लोगों को प्लान देना सिखाया, तभी तो हम ट्रेनर बनेंगे। मैंने कितने लोगों की FIM करी, यह आपकी लिस्ट में शामिल होना चाहिए। कर सकते हो? कर सकते हो? देखो इनविटेशन ना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनविटेशन में आप क्या बोल रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आप कभी भी किसी को इनवाइट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसे बोल रहे हैं और किस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। सामने वाला कभी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि आप क्या बोल रहे हैं, सामने वाला इस बात पे ध्यान देता है दोस्तों कि आप जो बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं। तो जब भी मार्केट में इनवाइट करने के लिए जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ सामने वालों के आंखों में आंखें डाल के बात होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ। आप कुछ गलत भी बोल देंगे किसी को पता नहीं चलेगा, अगर कॉन्फिडेंस हो तो। समझ में आ रहा है? और बेसिक चीजें है, सामने वाले का नाम पूछना है, हेलो सर नमस्कार, और उससे पहले अपना नाम बताना है, माई सेल्फ अमित दुबे, आपका शुभ नाम। जब आप अपना नाम बता के सामने वाले से उसका नाम पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाला अपना नाम ना चाहते हुए भी बता देगा। समझ में आ रहा है? फिर अपने बारे में पहले बताना है, सर मैं BHU से पढ़ाई करता हूं, आप क्या करते हैं?
वो कुछ पूछे उससे पहले आप अपना काम बना दीजिए। सर पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ काम करते हैं जहां पे हेल्थ को प्रमोट करते हुए एक अच्छी करियर बनाई जा सकती है, एक अच्छा लाइफ का ऑप्शन है। क्या सर आप भी पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं? समझ में आ रहा है? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। कई लोग क्या कुछ भी बोल के आ जाते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम है। पहले अपने बारे में बताओ, तुरंत उसके बारे में पूछो, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने काम के बारे में इंट्रोडक्शन दो और फट से उसका काम पूछो। इससे क्या होता है कि आपको सामने वाले की औकात मोटा मोटी समझ में आ जाती है। जैसे सामने वाले ने बोला मैं आर्मी में हूं तो 50-60 हजार की नौकरी कर, अब उसको बोलोगे कि सर 10 करोड़ कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? बढ़िया, तो हाथ जोड़ेगा भाई, कोई ना कोई डुप्लीकेट काम होगा। इनविटेशन आपकी बेकार चली गई, जबकि आप ओरिजिनल सही चीज बता रहे थे। कोई लाखों रुपए कमाने वाला है, अगर आप उसको बोलोगे सर पार्ट टाइम में 10,000 रुपए और आ जाए तो कैसा रहेगा, उसको मजा नहीं आएगा, वो बोलेगा भाई साइड हो जा। तो जिसकी जैसी औकात आपकी इन्विटेशन में फोर्स और पावर वैसी होनी चाहिए। ये कब पता चलेगा? जब आप सेकेंड स्टेप को फॉलो करेंगे, सामने वाले का इंट्रोडक्शन अच्छे से लेंगे तब पता चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले अपने बारे में बताना है, तुरंत उसके बारे में पूछना है, फिर आप क्या करते हैं, कहां से बिलोंग करते बताना है, वो क्या करता है, कहां से बिलोंग करते वो बताना है, और तुरंत अपनी प्रपोजल 5 से 10 सेकेंड के अंदर रख देना। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, एक ही सवाल पूछना, सर क्या आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो? कोई ना बोलेगा क्या? बोलेगा यस। तो सर मेरे पास एक ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जिसको अगर आप ध्यान देंगे, समझेंगे, आपकी लाइफ में बदलाव हो सकता है। बंदा अगर इंटरेस्टेड होगा तो आपसे आगे भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। नेटवर्किंग है क्या? पूछता है ना? यस या नो? नेटवर्किंग है क्या? हाँ या ना में जवाब दिए भी ना आपको तुरंत बोलना है कि सर हमारा हेल्थ से रिलेटेड काम है। हम लोग ऑल ओवर इंडिया में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों को ये जानकारी देते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और वैसे लोग जो लाइफ स्टाइल डिजीज से ग्रस्त हो चुके हैं उनको सर हम लोग हेल्प करते हैं। और सर हेल्प के साथ साथ वैसे लोग जो अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनके लिए पार्ट टाइम या फुल टाइम में काम करके लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी भी है। सामने वाला अगर 20-50 हजार रुपए कमा रहा है तो सर अगर आप चाहे तो इस काम में आप हेल्प करके 20,000 रुपए और एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हो? अगर यस, सर अपना नंबर दीजिए, मेरा ये नंबर लीजिए, जब भी सर मेरे पास टाइम होगा मैं आपको कॉल करूंगा। तुरंत क्या करना, सामने वाले को अपना नंबर देना, बोलना सर एक कॉल कर दीजिए, मिस कॉल, ताकि उसका नंबर आपके पास आ जाए। जैसे नंबर आए नंबर सेव करो। सर किस नाम से सेव कर दूं? नाम पूछ लेना, क्लियर है? yes. कहां मिला था उसी में लिख लेना। और आप लोग कोशिश कीजिए कि जो नई लिस्ट बन रही है उस नई लिस्ट को आप आके अपने डायरी को मेंटेन कीजिए, क्योंकि फोन डायरेक्टरी अगर मिट गया तो आपकी नई लिस्ट चली जाएगी। इसी को बोलते हैं लिस्ट ऑलवेज अपग्रेड करना। कर सकते हो? yes. और यही काम, यही लिस्टिंग आपको अपनी टीम में सिखाना। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल, बेस मटेरियल है ये लिस्टिंग, और अगर हम ही लोग इसमें कमजोर रहेंगे तो हमारी टीम कहां से मजबूत बनेगी? आग लगा दो यहां से जाने के बाद, पूरी टीम को पकड़ो, जो बोले सर धंधा नहीं चल रहा, कोई नहीं, आ जा, 2 घंटे टाइम दो डेली, 2 घंटे में 100-150 लिस्टिंग बनाओ। हम लोग क्या करते थे जब बेसिक लेवल पे थे, हम अपनी टीम को बाइक पे बैठाते थे और ऐसे जगह छोड़ते थे ना जहां से वो पैदल ना आ पाए, मोबाइल दे देते थे, बोले 1 घंटा 100 लोगों को इन्वाइट करो, जब पूरा हो जाए मुझे कॉल कर लेना, मैं बाइक से आकर रिसीव कर लूंगा। पॉकेट में पैसा भी नहीं देते थे कि भाग जाए, निकाल लेते थे और ड्रॉप कर देते थे। समझ में आ रहा है? 100-150 लोगों को इनवाइट करता था, फोन करता, मैं बोला पक्का कर लिए, बोला हाँ आते दिखाओ कहाँ है, आ गया, चल बैठ जा, लेके चल देते थे। आपको ऐसे करके अपनी टीम को ट्रेन करना पड़ेगा। कर सकते हो? करना पड़ेगा, तभी आपकी टीम अच्छे से इन्विटेशन सीखेगी।